तो गाइस यहाँ पे देख लो लाइव पेमेंट प्रूफ है आपके आंखों के सामने, 82 रुपीज़, 18 रुपीज़, 313 रुपीज़, 63 रुपीज़। और यहाँ पे देखो मुझे रिसीव कब हुआ है, 15 अगस्त, 15 अगस्त को 8:45 PM पे मुझे रिसीव हुआ है, 11 अगस्त 2:56 AM पे रिसीव हुआ है एक, और एक हुआ है 6 अगस्त 12:53 AM पे, और एक रिसीव हुआ है हमें 1 अगस्त 5:39 पे। तो भाई साहब यहाँ पे ये रियल पेमेंट प्रूफ है और इसका पेमेंट ऐसे ही मिलता है, तो ये एकदम रियल पेमेंट प्रूफ है। ठीक है जी भाई साहब, कैसे हो भाई लोग यार, आज के कौन धमाकेदार वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई लोग यार शुरुआत में तुमने तो पेमेंट प्रूफ देख ही लिया होगा भाई यार, इतना धमाकेदार भाई पेमेंट प्रूफ और थंबनेल देख लिया होगा यार, जो थंबनेल तुमने देखा है भाई वो सब रियल है और पेमेंट प्रूफ भी एकदम रियल है, और वो सब मतलब कहाँ किस ऐप से अर्न किया मैंने और तुम किस ऐप से अर्न कर सकते हो, इस वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, और उस पैसे को तुम कैसे ले सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। तो वीडियो को शुरू से लेकर तक जरूर देखना, और चैनल नए हो तो भाई भाई के लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। तो चलो बिना किसी बकचोदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक ऐप का लिंक, तो उस ऐप का नेम है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, और तुम्हें रेफर कोड भी मिल जाएगा, रेफर कोड भी डाल देना। तो यहाँ पे तुम्हें सर्च मतलब लिंक मिल जाएगा, उस एप्लीकेशन का नाम है मीशो ऐप, और मीशो ऐप से पैसा कैसे कमाएं और कैसे शेयर करें और कैसे ऑर्डर आएगा सब स्टेप बाई स्टेप बता दो। यहाँ पे देखो 100 मिलियन+ डाउनलोड प्लस है इसके पहले तो, और जैसे ही तुम ओपन करोगे तुम्हें साइनअप वाइनअप सब कर लेना है, जैसे तुम साइनअप कर लेते हो उसके बाद अपने प्रोफाइल में आना है तुमको, प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिखा सकता है मोबाइल में, तो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ फिल कर लेना, अपना डिटेल सब कुछ फिल कर देना है, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे पैसे कैसे कमाने स्टेप बाई स्टेप बता दो। तो यहाँ पे फिर से एक बार देख लो, यहाँ पे 82 रुपीज़ मुझे 15 अगस्त को मिले हैं, वो भी यहाँ पे देख लो, और 11 अगस्त को मुझे 18 रुपीस मिले हैं, उसके बाद यहाँ पे 6 अगस्त को मेरे को 313 रुपीस भाई मिले बैंक अकाउंट के अंदर, मैंने अपना बैंक अकाउंट भी चेक करा था, और ये मेरा जो 63 रुपीज़ है ये भी मुझे बैंक अकाउंट में मिला है, और ये जो नीचे 63 रुपीज़ फेलियर लिखा है ये मेरा नहीं आया था, क्योंकि मेरा IFC कोड मतलब अपडेट हो चुका था और मुझे पता नहीं था। तो भाई साहब मैंने अपने IFC कोड फिर से डाली तो मेरा पेमेंट आ गया फटाफट, और यहाँ ऑर्डर वाले ऑप्शन पे देखो भाई साहब, ऑर्डर भी मैंने बहुत सारा किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम मंथली इनकम बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, और कैसे करना है इस वीडियो में बता रहा हूँ तुमको। तो सबसे पहले यहाँ पे होम पे आ जाना है, होम पे आने वाले तुम्हें कोई सभी कैटेगरी मतलब चीज़ भी जिसे भी सेल करना है उसे सिलेक्ट करना है, या मैं जैसे इस कवर को मोबाइल कवर को सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे तुम्हें इस कॉपी वाले इसको पहले तुम प्रोडक्ट डिटेल्स पे इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, कॉपी कर लोगे तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे देख लो डिलीवरी एट 93 रुपीज़ है, तो इसे हम लोग छोड़ो इसे नहीं करेंगे क्योंकि कोई लेने वाला नहीं है भाई साहब, और अगर जो डिलीवरी फ्री रहता है उसे ही हम मतलब सेल करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इसको ले लो, यहाँ पे देख लेते हैं डिलीवरी फ्री है और ये 313 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे पहले डिटेल्स कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखो शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे जैसे मैं शेयर वाले यहाँ पे ये शेयर ऑप्शन है इस पर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, करने के बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस में जाना है और यहाँ पे डाउनलोड इमेज कर देना, डाउनलोड इमेज, तो मैंने अपना डाउनलोड इमेज कर दिया है, और करने के बाद यहाँ पे सेल कैसे करना है सब बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो जैसे ये प्रोडक्ट कितने का था हम लोग देख लेते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट कितने का था जो हम सेल करना चाहते हैं, तो हम देखने का कितने का था वो तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 313 रुपये का, तो हम इसे बेचेंगे मान लो 400 रुपये में इसे बेचेंगे, ठीक है, इसे हमको 400 रुपये में बेचना है। तो यहाँ पे फेसबुक वाले ऑप्शन में आना है, फेसबुक वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे मार्केट प्लेस वाले चले जाना है, और यहाँ पे तुम्हें अकाउंट क्रिएट कर लेना है सब, उसके बाद यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन पर जाना है, सेल वाले ऑप्शन देने के बाद आइटम्स पर क्लिक कर देना है क्योंकि तुम आइटम्स बेच रहे हो भाई, तो यहाँ पे ऐड फोटो पर जाना है और जो तुमने फोटो डाउनलोड किया था उसे ले लेना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने वो फोटो डाउनलोड किया था डाउनलोड में, तो उसके बाद यहाँ पे चले जाना है डिस्क्रिप्शन पे डायरेक्ट, डिस्क्रिप्शन आने के बाद यहाँ पे जो हमने डिटेल्स कॉपी किया था यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है, ठीक, और यहाँ देखो इसका नेम लिखा गया है, तो यहाँ से हम इसका नेम भी कॉपी कर लेते हैं, और अगर तुम कुछ भी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम अपने मन से भी लिख सकते हो, तो इसे हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइटल वाले जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम 400 में देते हैं टोटल, तो यहाँ पे हम 400 ले रहे हैं, यहाँ पे ये सब दो जो कैटेगरीज है ये सब आ जाएगा अपने से। उसके बाद तुम्हें ग्रुप ज्वाइन कर लेना है इसमें सेलिंग का ग्रुप ज्वाइन कर लोगे जैसे ही तैसे ही तुम्हें यहाँ पे ये सब मतलब ग्रुप में, जैसे मैं इस पर शेयर करना चाहता हूँ, तो बड़े बड़े ग्रुप में तुम्हें शेयर कर देना है अपना मतलब ये लिंक, तो हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं ग्रुप, ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद देखो हम क्या करते हैं, तो इसको कर लेते हैं, इसको नहीं तो फिर इसको, और ये फिर ये, जैसे मान लो हमने इतना ही ग्रुप सिलेक्ट किया, ठीक, तो उसके बाद हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे, तो पब्लिश करने के बाद यहाँ पे देखो गाइस ये हम लोग का मतलब पब्लिश होने वाला है, तो ये हम लोग का पब्लिश हो चुका है, और कोई भी हमें मतलब अगर ये कोई भी लेना चाहता है तो तुम्हें मैसेज करेगा, यहाँ से तुम्हें मैसेंजर ऐप डाउनलोड कर लेना है, ये वाला कहाँ का ये मैसेंजर ऐप तो सभी के पास होता है क्योंकि फेसबुक जो चाहता है उसके पास तो होता ही है, तो इस पर तुम्हें बहुत सारे मैसेज आएंगे, मुझे तो बहुत सारे मैसेज आए यहाँ से मतलब प्रोडक्ट्स लेने के, तो बहुत लोगों ने लिया भी है, और मैंने वहाँ से भाई देख सकता हूँ मैंने कितना पैसा अर्न कर लिया, वो उसको मैंने इंस्टॉल किए हुए उसे मुझे 10-15 दिन हो गए उस मीशो ऐप को इंस्टॉल किए हुए, तो मैंने इतना पैसा अर्न कर लिया अभी, तो तुम भी अर्न कर सकते हो। और वो पैसा अपने बैंक अकाउंट में कैसे लें, तो सबसे पहले मीशो एप्लीकेशन में जाना है, मीशो एप्लीकेशन में जाने के बाद
यहाँ पे अकाउंट वाले ऑप्शन देना है। अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आओगे फिर यहाँ पे माय बैंक डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, दो बार अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद तुम्हारा अकाउंट होल्ड नेम पूछा जाएगा, जो तुमने बैंक अकाउंट में अपना नाम डाला है उसको डालना है। फिर अपना IFSC कोड डालना है, जिस बैंक का IFSC आपका कोड है, जिस ब्रांच का, आपको वो IFSC कोड डाल देना है। कोड तो पासबुक पे लिखा होता है, तो अपना IFSC कोड डाल देना, तो वहाँ से आपका मतलब ये। फिर उसके बाद एक अपने मतलब पासबुक का फोटो क्लिक करके दे देना, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल कर रखा है तो मैं नहीं दिखा सकता गाइस इसमें। तो बस यही कुछ देना है, अपना बैंक अकाउंट ने मतलब नंबर, और उसके बाद IFSC कोड, अपना नेम और एक पासबुक का फोटो क्लिक करके देना है। और यहाँ पे कोई फ्रॉडबाजी नहीं होती है गाइस, एकदम रियल पेमेंट प्रूफ मिलता है, 100% रियल। अगर तुम्हें पेमेंट नहीं मिलता है तो इस कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लिक करने बाद कस्टमर को कॉल कर देना है तुम्हें, ठीक है। तो मेरा तो नहीं आ रहा था, तो मैंने बहुत बार इनको कॉल किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं क्लिप फीड में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर।